सुबह मेडिटेशन में मेरी शाम मेडिटेशन है लिखा हुआ अजल से है लिखा हुआ अजल से हमारा नाम मेडिटेशन हमारा नाम मेडिटेशन मेरी सुबह मेडिटेशन मेरी शाम मेडिटेशन मेरे हर कदम पे लग्जिश मेरी हर नजर में मस्ती मेरे हर कदम पे लग्जिश मेरे हर नजर में मस्ती कोई ले रहा है शायद हमरा नाम मेडिटेशन कोई ले रहा है शायद हमरा नाम मेडिटेशन मेरी सुबह मेडिटेशन में मेरी शाम मेडिटेशन 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 सेल्फ रिमेम्बरेंस में स्वाभाविक स्थिति में अपनी समृद्धि में लौट चले। हम सबका घर हम सबका मकान हम सबका बंगला हम सबका रेजिडेंस हमारी थर्ड आई है हमारा शिवनेत्र है 10-star बंगलो द सुंदर जो भीतर की ओर खुलता है दैट्स आवर रियल रेजिडेंस। बाहर के तमाम रेजिडेंस बॉडी के लिए है, माइंड का रेजिडेंस वर्तमान है। एक महान 10-star बंगलो दशम द्वार आज चक्र थर्ड आई शिवनेत्र Our divine eye, inner eye. What a wonderful inner eye, third eye, full of rejoicing state, full of energy, full of love and peace, awareness. What a wonderful inner journey from rituals to realization, from mind to the master, from tension to tranquility, from stress to serenity, from known to unknown, a real pilgrimage. This inner journey, that is meditation. आइए थोड़ी देर के लिए हम अपनी थर्ड आई में अपने शवनेत्र में अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापिस लौटें। मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर देखना उद्घाटित हो जाता है।
आप स्वाभाविक रूप में देख रहे हैं, देखने की कोशिश नहीं करना, आप देख ही रहे हैं। देखना स्वाभाविक हो, जैसे बाहर देखने के लिए कोई कोशिश नहीं करना पड़ता, आप स्वाभाविक रूप से आंख खोल के देखते हैं, ठीक उसी तरह भीतर भी आप भीतर की ओर जागे जागे देख रहे हैं। ये देखना जारी रहे, ये देखना एक्सपैंड होता जाए, ये देखना कंटिन्यू तेरे हाथ में है। बाहर की दुनिया बहुत देखा, बाहर के जगत को बहुत देखा तूने, खूब घूम घूम के देखा, अब थोड़ा भीतर भी देख लेना। भीतर दिखाने जताने जनाने वाले आए हैं, इस अवसर का लाभ उठा लेना। अपनी थर्ड आई, अपनी इनर आई को भी इस्तेमाल कर लेना, उसको भी थोड़ा जगमगा लेना अपने कल्याण के लिए। ये मेडिटेशन का महान नेक्टर उतरा है, तब जी भर करके अमृत पान करना, जी भर करके ड्रिंक करना वाइब्रेशंस को। इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ वाइब्रेशंस, इट इज नॉट बुकिश। मेडिटेशन इज नॉट बुकिश। लगातार अपनी आंख से अपने को देख लेना, पलकें मूंदते ही चाहो और ब्लैक ही ब्लैक, डार्कनेस ऑल ओवर इनसाइड, अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ही सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। परंतु इस नथिंगनेस की स्टेट को जागे जागे देखते रहना, वही देखना जो हो रहा है, अपने आप घटित हो रहा है। सीटेड मेडिटेशन, चेयर मेडिटेशन आपको पूरा पूरा रिलैक्सेशन प्रदान करे। इन वाइब्रेशंस में अपनी ओर जागे जागे स्वाभाविक रूप में वही देखना जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, स्वतः ही जो तेरे सामने उतर रहा है, घटित हो रहा है, उठ रहा है। कछु भी है कछु नहीं भी है, हर स्थिति को जागे जागे निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में देखता रहना। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी इन योर ट्रू नेचर। वही देखना जो हो रहा है, भले अंधेरा ही हो, आप अपना देखना जारी रखना। हमें अपना देखना डेवलप करना है स्वाभाविक रूप से, क्या दिखाई देता है क्या नहीं देता, कछु भी दिखाई दे, माइंड कछु भी प्रोजेक्ट करे हमारे सामने, हम उसको जागे जागे निष्पक्ष निरपेक्ष देखते चले। दुनिया भर के मैजिक तूने देखे, दुनिया भर के मैजिशियन को आपने जाना देखा, इस माइंड रूपी मैजिशियन को, इसके मैजिक को भी देख लेना। जिसने इसको देखा वो मालो माल हो के आया, निहाल हो गया, वो सदा के लिए एवर फ्रेश एनर्जेटिक जॉयस रिजॉइसिंग स्टेट लेकर के आया। स्वास्थ्य शांति शक्ति मस्ती, ये तो भीतर का खजाना है, ये बाहर किसी भी धन दौलत से नहीं मिल सकता, दुनिया भर के शिखर भी इसको खरीद नहीं सकते। ये कमर्शियल नहीं है, ये अनुभव का सब्जेक्ट है, वाइब्रेशन का है। अपने अनुभव से जीना यही तेरा धर्म है, यही तेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी है। तो अपना अनुभव, अपने अनुभव जैसा सौंदर्य दुनिया में नहीं है, अपने अनुभव से जीना, देख लेना कहाँ हो तुम भीतर, कहीं हो
एग्जिस्टेंस है कहीं तेरी? क्या तेरा अपना अस्तित्व है कहीं भीतर, या केवल माइंड ही माइंड है? लगातार जागे जागे रहना, अपना अनुभव स्वयं लेना, आप परवाह न करना, भले कितनी देर तक अंधेरा रहे, डार्कनेस रहे, आप परवाह न करना, उसी को देखते रहना। देखना हमारा स्वभाव है, देखना हमारा ड्वाल पोजाए, ठीक उसी तरह जैसे बाहर की ओर, तो जिंदगी सदा बाहरों से ओतप्रोत हो जाए। जागिए इसी जन्म में, तुम जागिए। पोस्टपोन नहीं करना, अगला जन्म किसने देखा, इसी बर्थ में रीबर्थ होए, तेरा जन्म होए, तेरा जीवन जगमगाए, इन दिस वेरी बर्थ, इन दिस वेरी लाइफ, तो द्विज ट्वाइस बॉर्न होए। ये परम घटना बहुत सहज है, बहुत सरल, बहुत साधारण, जहां करना ही कुछ नहीं, स्वतः हो रहा है, अपने आप ही हो रहा, और क्या चाहिए, थोड़ा भीतर का ख्याल रखना, थोड़ा भीतर संभालना, थोड़ा भीतर की सुध लेना। तुम भीतर क्या हो, कैसे हो, क्या हाल चाल है आपका, क्या तुम कहीं हो भी, या माइंड ही माइंड है, कहाँ तुम गुम हो गए हो? जागो, जागना ही जीवन है। जागी इसी जन्म में, बन सचेतन आत्मा, जागी इसी जन्म में, बन सचेतन आत्मा, खोलो चक्षु ध्यान की, परम संपदा, परम धन तेरी कमाई है, जो तेरा कल्याण करती है, जो तुझे आबाद करती है। जागी इसी जन्म में, बन सचेतन आत्मा, जागी इसी जन्म में, we'll be right back.
ही ज्ञान विज्ञान उपजता है। रोशनी अनंतस में हरे मन के पर्दों को हटा, रोशनी भीतर में भरे मन के पर्दों को उठा, तेरे द्वारे प्रभु पधा मन की पलकों को उठा, तेरे द्वारे प्रभु पधा मन की पलकों को उठा, रोशनी भीतर बिभर मन की पर जाकर की देख स्वयं अनुभव करेगा। चांदनी राहों पे बिखरी चांदनी राहों पे बिखरी विराट बना तेरा रहनुमा, खुद विराट बना है रहनुमा, जागी अब तो जागी, और क्या चाहिए तुझे, जागी अब तो जागी, हुणता जागी इसी जन्म में बन बन सजीतन आत्मा, इसी जन्म में जो नॉलेज ध्यान से पनपी है, ध्यान से उतरी है, ध्यान से निकली है, तेरे भीतर से निकली है, तेरे भीतर के ध्यानस्थ अवस्था से आई है, वो रियल नॉलेज तेरा कल्याण कर सकती है, तुझको अल्टीमेट फ्रीडम में उतार सकती है,
तुझको तेरे अल्टीमेट गोल पर पहुंचा सकती है। वही एकमात्र वही जो तेरे भीतर से उपजी है, तेरी ओरिजिनल रियल नॉलेज जो तेरे भीतर की ध्यान से बनती है। किताबी नहीं, बुकिश नहीं, किताबी तो इशारा कर रहा है, बुकिश नॉलेज तो इशारा कर रही हैं। अपनी ओर जागिए, अपनी ओर जानिए, अपनी ओर जागिए, वो तो इशारा कर रहा है सब। परंतु हमने इशारों को पकड़ लिया और इशारों को तोते की तरह रट करके उसका प्रचार करने लग गए। हम इशारों में उतरे नहीं, हम गीता का पाठ करने लग गए। गीता है जिंदगी जीने की कला, गीता एकमात्र सेलेशियल सॉन्ग, सेलेशियल मैसेज, डिवाइन मैसेज, जिंदगी जीने की कला है। जो गीता कहती है उसमें उतर जाइए। क्या पाठ करते करते मरोगे क्या? क्या मरते समय गीता सुनोगे क्या? क्या कल्याण हो सकेगा? कितना अनसाइंटिफिक है, कितना रिचुअल है। गीता है जीवन जीने की कला। गीता की संदेश को, मैसेज को जीवन में उतारिए, तुम स्वयं गीतामय हो जाइए। जीवन को गीता बना लीजिएगा। स्वयं लॉर्ड कृष्ण ने कहा अर्जुन, ध्यान सी ज्ञान है, ज्ञान की मुक्ति नहीं। ध्यान सी चढ़कर की कितना भी अपने आप को महावीर कहलवा ले, गोशालक ओ माय डिसाइपल, भगवान महावीर ने कहा गोशालक, मन के हाथ लगकर की ईगो अहम अहंकार की अस्मिता के अंधेरों में डूब करके तू कितना भी अपने आप को महावीर कहला ले, तू पैरेलल, मेरे पैरेलल तुम अपनी ईगो को लेके चलो, तुम अपनी अस्मिता को लेकर के चलो, आप जी भर करके चलो। किंतु मैं सच कहता हूं गोशालक, एक दिन माटी के ढेर हो जाओगे, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि केवल ध्यान किताबी ज्ञान नहीं है। जो किताबी ज्ञान कहता है उसमें उतरे, उतरे बिना गोशालक तो गोलोक में नहीं जा सकेगा। ध्यान सी ज्ञान है, बिन ज्ञान की मुक्ति नहीं, सदगुरु के द्वार तक आए बिना सिद्धि नहीं, सदगुरु के द्वार सेल्फ रियलाइजेशन की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की, सेल्फ अवेकनिंग की, ये शिखर सेल्फ रिमेम्बरेंस का, सुपर साइंस का, सुपर मोस्ट साइंस, परम विज्ञान का। गर थोड़ी प्यास है तुझे, सुपर साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, इनर साइंटिस्ट हो जाने की, तो फिर जल्दी कर, कदम उठा, क्योंकि आज भारत माँ को इनर साइंटिस्ट चाहिए। एकमात्र इनर रिसर्चर चाहिए।
आज भारत की संस्कृति लुप्त प्राय है, सब लॉस्ट लुप्त प्राय है। संस्कृति का मतलब तुम्हारे खान पान से, तुम्हारे पहनने पहरावे से, तुम्हारे बिहेवियर से नहीं है। तुम कितने अल्ट्रा मॉडर्न जीना, कितने मोस्ट मॉडर्न जीना, उससे कोई वास्ता नहीं है। संस्कृति का संबंध तेरी आत्म, तेरी सुरती जागरण, तेरे आत्म जागरण, तेरे आत्म प्रकाश से है। संस्कृति की आंख तेरी आत्मा पर है, ना कि तेरे माइंड पर। माइंड के तल पर अल्ट्रा मॉडर्न जी हैं, कितना भी मस्त मॉडर्न जी हैं, कदाचित भी नेगेटिव नहीं है, कंडेमनेबल नहीं है, तनिक मात्र भी इसका संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। वह तो सभ्यता है। जैसे जैसे समय देशकाल स्थिति है, वैसी वैसी तुम्हारी सभ्यता है। वेरी गुड। कितना भी तुम मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न जियो, कोई किसी प्रकार की भी कमी मत छोड़ो। जी भर करके तुम मस्त मॉडर्न होकर के जियो, परंतु भीतर से प्रिमिटिव होके ना जियो, भीतर अंधेरों में मत जियो। अपने को गवा के ना जियो, अपने को भुला के ना जिए। मोस्ट प्रिमिटिव स्टेट है यार, मोस्ट बैकवर्ड स्टेट है तेरी मोस्ट मॉडर्न लाइफ, जहां वैक्यूम है, एकमात्र अंधेरा ही अंधेरा है। ये वैक्यूम फिलअप कर ले भीतर की ओर जाग करके, तो तेरे जैसा मोस्ट मॉडर्न पर्सनैलिटी विद इंडिविजुअलिटी दुनिया में नहीं है। ऐसा ही चाहिए भारत माँ को। सभ्यता बाहर, संस्कृति भीतर, दोनों का समन्वित रूप चाहिए। जहां संस्कृति ने अपना सर उठाया, जहां संस्कृति का फूल खिला, वहां सभ्यता तो अपने आप ही आ जाती है। किंतु सभ्यता के साथ संस्कृति का आना, ये विलक्षण बात है। सभ्य इंसान अपने आप को चाहे कितना सुसंस्कृत कहे, वेल कल्चर्ड कहे, नहीं है वो, हर हालात में मन का गुलाम है। यही एक संगीत जगमगा रहा था, कितना गजब कहा बाबा ने। हो फिदा परवानी तू